बिहार का आंकड़ा क्या कहता है, सीधे चलते हैं नेहा के पास। तो देश के मूड में अब बात करते हैं बिहार की। 40 सीटें हैं बिहार में, और बिहार में क्या होगा अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव हो जाए। आइए बड़ा आंकड़ा आपके सामने हम रखते हैं, वो बड़ा आंकड़ा जिसमें बताएंगे कि एनडीए और यूपीए की टक्कर में कौन कहां आकर टिक रहा है। लेकिन उससे पहले आइए बड़ी बातें, जो अब तक की बड़ी बात और वो यूपी से निकल कर आ रही है, वो ये है कि यूपी में महागठबंधन अगर नहीं बना तो 2014 का रिजल्ट जो है वो रिपीट होता हुआ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि तब 70 सीटें जा रही हैं एनडीए के खाते में। अलग अलग लड़ने पर एसपी बीएसपी को सिर्फ 4-4 सीटें मिल रही है। ये दोनों पार्टियां साफ होती हुई नजर आ रही है। बिग पिक्चर यूपी की यह भी कह रही है कि यूपी में महागठबंधन बन गया तो एनडीए की सीट 31 रह जाएगी, यानी 2014 के मुकाबले आधे से भी ज्यादा का नुकसान होगा। आइए अब बात कर लेते हैं हम बिहार की। बिहार में किस तरह की तस्वीर बन रही है, बड़ा आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं, जहां पर एनडीए और यूपीए के बीच की लड़ाई है। नीतीश ने पाला बदल लिया और देखिए उसके बाद कौन जीतेगा। एनडीए के खाते में आज की तारीख में 34 सीटें जाती हुई अगर आज बिहार में लोकसभा के चुनाव हो जाए, यूपीए महज 6 सीटों पर सिमटता हुआ। संजय जी, मतलब नीतीश कुमार के कैंप चेंज करके एनडीए में आने का पूरे एनडीए को फायदा हो रहा है 34 सीटों के साथ। ये बहुत बड़ा गठबंधन है। अगर नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों मिलकर जब चुनाव लड़ रहे हैं, और जैसा आपके आंकड़े दिखा रहे हैं 34 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दोनों मिलकर पूरे बिहार की राजनीति पूरी इलेक्शन स्वीप करेंगे, और जो दूसरा महागठबंधन अगर बन भी जाए वो उसका काट नहीं है महागठबंधन, बीजेपी और जेडीयू की जो पकड़ है बिहार की राजनीति में। तो मतलब क्या बीजेपी और जेडीयू की पकड़ राजकिशोर जी इतनी तगड़ी है कि नीतीश के आने के बाद ये 34 सीटें आज की तारीख में एनडीए को जा रही है? बिल्कुल नेहा, आ सकती है। आप याद करें जब नीतीश कुमार अलग लड़े थे चुनाव और बीजेपी के साथ में एलजेपी और आरएलएसपी थी, तब भी वो 30 से ज्यादा सीटें लेकर आए थे। तो नीतीश कुमार वहां का चेहरा है, जब नीतीश और बीजेपी वहां पर मिलते हैं तो वो ऐसा अकाट गठबंधन बनता है कि जिसका कोई जवाब सामने वालों के पास होता नहीं है। तो चित्रा हमारे डेटा सेंटर से बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देश के मूड में बिहार बहुत साफ कह रहा है एनडीए अगर इंटैक्ट रहा, नीतीश बीजेपी के साथ रहते हैं जैसे अभी बने हुए हैं, तो 34 सीटें जा रही हैं एनडीए को बिहार में। 2014 के मुकाबले एक सीटें यहां पर नेहा ज्यादा मिलती हुई, 33 सीटें अभी एनडीए के खाते में हैं। ऐसे में सीधे हम बात करेंगे बिहार एक्सपर्ट अरविंद मोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुल मिलाकर उत्तर भारत में तस्वीर यही कहती है कि अगर एक तरफ महागठबंधन की स्थिति में यूपी में नुकसान होगा तो वहीं दूसरी तरफ ये जो बड़ा गठबंधन एनडीए का है बिहार में वो बड़ा फायदा एनडीए को पहुंचाता हुआ। अरविंद जी खुद कह रहे हैं एक सीट बढ़ रहा है तो बड़ा फायदा तो नहीं हो रहा है, और पिछली बार लेकिन 40 में अगर 34 सीटें वो जीत रहे हैं, पिछली बार 36% वोट था एनडीए को और 42 था यूपीए को, ठीक है, तो 6% का गैप है। और अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो कायदे से स्वीप होना चाहिए, लेकिन इसमें एक और पेंच फंसा हुआ है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान अभी के बंटवारे से जो लग रहा है वो खुश नहीं होते हैं तो सीन अचानक बदल जाएगा, क्योंकि दलितों के साथ जैसे ही मुसलमानों के साथ दलित और यादव और कुशवाहा वोट हो गए, लेकिन अभी मौजूदा गठबंधन के हिसाब से अगर वो मेरे हिसाब से अभी अगर गठबंधन इसी शेप में गया तो 34 पे भी नहीं रुकेगा और ऊपर जाएगा। आपको लग रहा है कि क्योंकि नीतीश कुमार के आने से 6% का वोट तो निश्चित शिफ्ट इधर से इधर होगा। 40 में कितना फिर? नहीं, कायदे से तो स्वीप करना चाहिए, 37-38 जाना चाहिए। अब ऐसा हमने कोई सर्वे नहीं किया, लेकिन अभी के स्थिति में अगर नीतीश ने पाला बदला है तो उसके बाद स्वीप होना चाहिए, उसके बाद स्वीप होना और चाहिए। और अभी जो सर्वे बता रहा है इसका मतलब वैसा स्वीप अभी नहीं देख रहा, ठीक है। कुल मिलाकर अरविंद मोहन जी जो कि बिहार एक्सपर्ट है, उनका ये मानना है कि अभी जो एनडीए का गठबंधन है वो बना रहता है तो फिर 40 में से 37-38 सीटें आराम से मिल जाएंगी इस गठबंधन को। ये है ABP News, आपको रखे आगे।